अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का चैप्टर नंबर 10 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन जो हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, आज हम लोग उनका देखेंगे कि वो किस तरह की होती हैं, किस नेचर की होती हैं। सबसे पहली काइंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंबाइन देयर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सच सोसाइटीज आर नोन एज प्रोडक्शन सोसाइटीज और प्रोड्यूसर सोसाइटीज। ये किस तरह की सोसाइटीज होती हैं? ऐसी सोसाइटीज होती हैं जिसमें इनके मेंबर्स अपनी सर्विसेज और रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद चीज़ों की या फिर सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम देते हैं। द पर्सन हैविंग स्किल्स बट स्मॉल रिसोर्सेज, दे कैन नॉट सेपरेटली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज मोर इफेक्टिवली एज दे कैन डू द विद द कंबाइंड एफर्ट, सो दे कंबाइन देयर रिसोर्सेज एंड वर्क्स देमसेल्फ एज एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट फॉर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर एट कॉस्ट प्राइस एंड देयर आर एनी सरप्लस गुड्स दैट आर सोल्ड एट प्रॉफिट टू द आउटसाइडर्स। अब इस सोसाइटी, इस किस्म की सोसाइटी में क्या होता है? अपने रिसोर्सेज का कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको इकट्ठा करके उन पर काम किया जाता है और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। ये गुड्स और सर्विसेज लोअर कॉस्ट पे अपने मेंबर्स को दी जाती हैं, उसके बाद सरप्लस अगर कुछ बच जाए चीज़ें तो वो दूसरे जनरल पब्लिक को प्रॉफिट रेट पर बेच दी जाती हैं। सेकंड काइंड हम लोग देख लेते हैं कंज्यूमर सोसाइटीज। अब कंज्यूमर सोसाइटीज में क्या होता है? व्हेन द ऑर्डिनरी पर्सन कंबाइन देयर रिसोर्सेज टू परचेज द गुड इन बल्क एट होल प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग इट्स मेंबर एट रीजनेबल प्राइस टू इलिमिनेट द सर्विसेज एंड कॉस्ट ऑफ मिडल मैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सच सोसाइटीज आर नोन एज कंज्यूमर सोसाइटीज। कंज्यूमर सोसाइटीज ऐसी सोसाइटीज होती हैं जिनमें गुड्स को बल्क की फॉर्म में परचेज किया जाता है प्रोड्यूसर से और उसके बाद रिजनेबल प्राइस से अपने मेंबर्स को बेच दिया जाता है। इस किस्म की सोसाइटीज में क्या होता है? एक तो मिडल मैन की जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट किया जाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जितनी भी कॉस्ट है उसको एलिमिनेट किया जाता है। इस किस्म की सोसाइटीज को हम लोग कंज्यूमर सोसाइटीज कहते हैं। एवरी पर्सन हु परचेज वन शेयर ऑफ द सोसाइटी कैन बिकम इट्स मेंबर, अ पर्सन मैनेजर्स और कमिट इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स, द मेन परचेज ऑफ द सोसाइटी इज द provision of necessities of life to its members at cheaper rate. If any property is earned by the society, it is joined among its shareholders according to the amount of purchase made by them. इसमें क्या किया जाता है? shareholders अपने resources को सबसे पहले commit करते हैं, elect करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें producer से खरीदते हैं और वो खरीदने के बाद अपने members में उनको distribute कर देते हैं। अब इस सारे process में अगर उनको कुछ profit earn हो जाता है तो उस profit को ये लोग अपने मेंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं। थर्ड काइंड हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। व्हेन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्रिएटेड टू ग्रांट लोन्स टू इट्स मेंबर्स एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशंस एट रीजनेबल रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट, सच सोसाइटी इज नोन एज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस किस्म की सोसाइटीज में क्या होता है? लोगों को लोन दिया जाता है, इसके अलावा अपने मेंबर्स को भी फेवरेबल कंडीशन ऑफ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। दिस सोसाइटी कलेक्ट्स द फंड्स फ्रॉम द मेंबरशिप फी, सेल ऑफ सोसाइटी शेयर्स, डिपॉजिट ऑफ द मेंबर्स एंड लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट डिजायरिंग मेंबर्स एंड अदर पर्सन ऑन फेवरेबल कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक एंड स्पेशली टू इट्स ओन मेंबर्स। इस किस्म की सोसाइटीज में क्या किया जाता है? फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं मेंबरशिप फी के थ्रू, सेल ऑफ सोसाइटी शेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू, ये और ये जब फंड इकट्ठे किए जाते हैं तो इन सारे फंड्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की इकोनॉमिक वेलफेयर पर स्पेंड कर दिया जाता है। फोर्थ काइंड हमारे पास आ गई है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है? जो इनकी मेंबर्स होते हैं उनको रेजिडेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा होता है, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? लो इनकम ग्रुप के लोगों को हाउसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है ताकि फंड्स को इकट्ठा करके लोगों को, यानी उनके मेंबरान को घर बनाने की, इजी रेट पे घर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके।
फोर्थ फिफ्थ काइंड हम लोग देख लेते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक वॉलंटरीली एसोसिएशन होती है, यानी कि अपनी मर्जी से मेंबरान इसमें शामिल होते हैं और इसमें रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल सर्विसेज टू इट्स मेंबर टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मार्केट ओरिएंटेड, प्रोड्यूसर ट्रांसफर देयर आउटपुट टू सोसाइटी एंड सोसाइटी ऑफन सेल देयर गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर टू अर्न हाई प्रॉफिट। द प्रॉफिट अर्न बाय सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। अब मार्केटिंग का आप लोगों को पता होगा, मार्केटिंग में क्या किया जाता है? चीज़ों की सेल एंड परचेज की जाती है। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? प्रोड्यूसर से चीज़ें ले लेती हैं और उसके बाद होलसेलर और रिटेलर को इन्वॉल्व किए बगैर खुद ही जो इनके अल्टीमेट कंज्यूमर है उन तक चीज़ें पहुंचा देते हैं। अब उनको जो प्रॉफिट अर्न होता है वो अपने मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गई है फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है और इसका मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें क्या किया जाता है? मेंबरान मिलकर एक सोसाइटी कायम करते हैं, अपने फंड्स को इकट्ठा करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की किसी भी फील्ड में अगर वो काम करना चाहते हैं तो मिलकर न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। सेवन काइंड ऑफ ही है ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें देख लेते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी का मकसद क्या होता है कि अपने मेंबरान को बेहतर ज़रा नकल व अमल की सहूलियात दी जा सकें। ये कैपिटल्स को कलेक्ट करती है और परचेज करती हैं बसेज या फिर कन्वेंशन वगैरह ताकि अपने मेंबरान को उनके डिक्लेयर रूट के मुताबिक इजीली फैसिलिटेट किया जा सके। एट वाली काइंड हम लोग देख लेते हैं इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? द इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड ग्रुप इंश्योरेंस फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। दिस सोसाइटी मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद अदर इंश्योरेंस कंपनीज एंड परचेज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स मेंबर एट कंसेंशियल प्रीमियम। इट गेट्स प्रीमियम फ्रॉम इट्स मेंबर एंड लीजर अमाउंट इज पेड टू द अदर इंश्योरेंस कंपनीज। समटाइम्स द सोसाइटी मे इशू द इंश्योरेंस पॉलिसी टू द जनरल पब्लिक। इट रीइंश्योर्स पॉलिसी होल्डर्स एट द प्रीमियम एंड इन बिटवीन अर्न्स द प्रॉफिट। अब इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद क्या होता है? ये सबसे पहले अपने मेंबरान के लिए किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं और उसके बाद अपने मेंबरान को लो प्रीमियम पे, लो रेट ऑफ प्रीमियम पे बेच देते हैं। अब लो रेट ऑफ प्रीमियम पे जब उनको बेच देते हैं उनको लो रेट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है। उस तरीके से जो उनको प्रॉफिट अर्न होता है वो अपने मेंबरान में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नाइन्थ वाली काइंड आ गई हमारे पास डेयरी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेयरी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? ये भी इनके अपने मेंबरान के बेनिफिट के लिए क्रिएट की जाती है और इसमें क्या किया जाता है? डेयरी फार्मिंग की जो है हमारी फील्ड उसमें उनके मेंबरान को फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई डेयरी बनाई हुई है तो उसमें बुफेलोज और कोस वगैरह को फूडर यानी कि जो चारा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग लो रेट ऑफ प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिल्क और मिल्क से बन जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे भेजा जाता है ताकि अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। टेंथ काइंड हमारे पास आ गई है लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म फॉर द लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर। दीज पुअर एंड अनस्किल्ड jointly offer their services to the employer or the contractor. This labor force is used for the construction of building roads and dams. An individual labor is poor and has no bargaining power. These societies protect the rights of poor labor. अब लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं यानी मजदूर तबका जो होता है वो मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, अपनी एक कमेटी बना लेते हैं। उसमें क्या किया जाता है? अनस्किल्ड लेबर को यानी कि जो माहिर लोग माहिर मजदूर नहीं हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं और इस तरह उनकी स्किल्स को जॉइंटली उनकी ऑफर किया जाता है किसी एम्प्लॉयर को। अगर किसी ने कोई घर बनवाना है, रोड बनवाना है, डैम बनवाना है तो वो सोसाइटी उनको ऑफर करती है कि आप हमसे मजदूर यानी कि लेबर ले सकते हैं। जैसे कि आप एक सिंगल लेबर है तो उसकी बार्गेनिंग पावर वीक होगी, लेकिन जब एक सोसाइटी उनसे बार्गेन करेगी एम्प्लॉयर से तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, उनको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अचीव
होगा। 11th पॉइंट हम लोग देख लेते हैं स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अपने मेंबर्स को, क्योंकि कुछ चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन पेरिशेबल होती हैं। अब पेरिशेबल चीज़ों को फ़ौरन से हम लोगों ने बेचना पड़ता है, और उसके लिए भी हमें स्टोरेज की फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। 12th हम लोग काइंड देख लेते हैं ट्यूबवेल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ट्यूबवेल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग ट्यूबवेल्स वगैरह लगाना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का किसी का इरिगेशन सिस्टम कोई भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इस किस्म की सोसाइटीज़ में क्या किया जाता है, वो अपने मेम्बरान को इसके अलावा दूसरे लोगों को भी कर्ज की सहूलत फराहम करती है। उसके बाद है मिसलेनियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कुछ मतफरक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आल्सो बी फॉर्म फॉर सम अदर फील्ड्स ऑफ लाइक फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा। दीज सोसाइटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इन देयर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लाइफ। द मेन पर्पस ऑफ ऑल दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर टू इट्स मेंबर। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमने ऊपर सारी काइंड पढ़ी है, उनके अलावा भी कुछ काइंड हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि फिशरी की, पोल्ट्री की, फार्मिंग की। अब इन तमाम सोसाइटीज़ का मकसद क्या होता है? एक तो अपने मेंबरान को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, दूसरा इनका मकसद होता है कि इनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा